गाइस आज के इस गेमिंग न्यूज़ के एपिसोड के अंदर आपका वेलकम है। और आज के इस एपिसोड के अंदर हम कवर करने वाले हैं वैलोरेंट मोबाइल प्लस एपेक्स लेजेंड्स मोबाइल प्लस पबजी मोबाइल न्यू स्टेट और साथ ही में कुछ गेमिंग बाइट्स। सो बहुत इंटरेस्टिंग सी वीडियो होने वाली है, इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना और मेक श्योर प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। 2K सब्सक्राइबर्स करना है चैनल को ऊपर जल्दी जल्दी, तो नए बंदे हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स बिगिन इन दी वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं वैलोरेंट मोबाइल और प्रोजेक्ट एम के बारे में, ठीक है। तो वैलोरेंट मोबाइल की रिलीज डेट की बात करें तो आप गूगल पर जाकर सर्च करोगे तो वहाँ पर बता रहा है मिड ऑफ 2022, और सही में यही डेट है, इसके आसपास ही गेम आने वाला है। पहले और डिले हो रहा था लेकिन इसका बिगेस्ट रीज़न है प्रोजेक्ट एम, जिसकी मदद से जो डेवलपर्स है गेम को और जल्दी लाने का ट्राई कर रहे हैं, और गेम को जो पीसी से मोबाइल में पोर्ट करने का काम है वो हो चुका है। मतलब इतने कुछ खास ग्राफिक्स नहीं है पीसी के अंदर जो मोबाइल के अंदर पोर्ट ना हो सके, क्योंकि सिंपल सादे ग्राफिक्स है, ठीक है, जो आराम से अपने एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर चल जाए, आईफोन में चल जाए, ठीक है। तो ये काम तो हो चुका है लेकिन कुछ और ऑप्टिमाइजेशन चल रही है इस फ़ोन के अंदर। मतलब पीसी से भी बेहतर ग्राफिक्स फ़ोन के अंदर करे जा रहे हैं डेवलपर्स की तरफ से, ऐसे लीक्स निकल कर आ रही है। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि एसेंट में अभी आने वाला है, इसके अंदर ऐसी लीक्स निकल कर आ रही है और काफ़ी मज़ा आने वाला है इस गेम के अंदर। इसका जो क्लोज बीटा है वो आ सकता है, मतलब आने ही वाला है दिसंबर तक, ठीक है। तो वेट कर लो, दिसंबर के आसपास आपको इसका फर्स्ट क्लोज बीटा देखने के लिए मिल जाएगा। बात करें प्रोजेक्ट एम की तो प्रोजेक्ट एम का जो क्लोज बीटा है वो 31 अक्टूबर से पहले ड्रॉप हो जाएगा। कैसे उसको डाउनलोड करना है मैं आपको अलग से वीडियो बनाकर बता दूंगा, तो कनेक्टेड जरूर रहना, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो कल रात को रोस्ट स्पीड ने यहाँ पर एक ट्वीट किया है, उसके अंदर लिखा है ओनली प्रेडिक्शन बट ओपन बीटा सॉफ्ट लॉन्च जो नवंबर दिसंबर के महीने के अंदर आ सकता है, और जो ग्लोबल वर्जन है वो फरवरी मार्च 2022 के अंदर हमको देखने के लिए मिल सकता है। साथ ही में यहाँ पर एक और ट्वीट किया है, उसके अंदर उन्होंने लिखा है कि किंग्स कैनियन मैप, ओलंपस मैप, जो ब्रांड न्यू अनसीन मैप है वो आने वाला है, कंफर्म हो चुका है मोबाइल वर्जन के अंदर, व्हाट इज़ योर फेवरेट। तो यहाँ पर ऐसा कंफर्म हो चुका है कि जो तीन मैप्स है वो हमको आने वाले बीटास के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे एपेक्स लेजेंड्स मोबाइल के अंदर। और आईएमओ ने एक ट्वीट किया है, उसके अंदर उन्होंने लिखा कि किंग्स कैनियन 1.2 GB, ओलंपियस 2.4 GB और स्किन्स 4 GB, मतलब टोटल मिला के प्राइवेट बीटा टेस्टिंग जो है वो 7.4 GB की होने वाली है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर ही होगी, बीटा के अंदर ग्लोबल वर्जन इसकी साइज़ है वो घट जाएगी, मतलब रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पर आईएमओ सर ने कहा है। तो ये तीनों ट्वीट्स निकल कर आए थे एपेक्स लेजेंड्स के थ्रू। तो होप करता हूँ आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी होगी, तो इसी बात पर लाइक करके ज़रूर जाना। अगली जो न्यूज़ निकल कर आ रही है वो निकल कर आ रही है हमारे पबजी मोबाइल न्यू स्टेट के अंदर एरेंगल मैप के थ्रू। क्या न्यूज़ है वो तो आप देख सकते हो। सो बिलीबिली नाम के एक चाइनीज स्ट्रीमिंग ऐप के अंदर एक बंदा स्ट्रीम कर रहा था पबजी मोबाइल न्यू स्टेट को, और वहाँ पर उसने मैच स्टार्ट करा तो वहाँ पर एरेंगल नज़र आ रहा था, ठीक है, जो आप साइड में देख सकते हो यहाँ पर एरेंगल नज़र आ रहा था। तो क्या ये ग्लिच है या प्राइवेट बीटा है मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर हम ऐसा मान के चल सकते हैं कि यहाँ पर एरेंगल मैप आ रहा है। और बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स कह रहे हैं कि जो ये स्क्रीनशॉट है जो ऑफिशियली लॉन्च हुआ है, पोस्टर आया है क्राफ्टन वालों की तरफ से, जो इसके अंदर जो स्क्वाड वाला है ये इरेंगल मैप का फोटो है, इसके अंदर थोड़ा फ्यूचरिस्टिक इरेंगल मैप यहाँ पर डाला है। तो आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताना। तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ गेमिंग बाइट्स के बारे में। तो यहाँ पर GTA ट्रायलॉजी सीरीज़ जो है उसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, साथ ही में यहाँ पर रिलीज डेट निकल कर आ रही है, तो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। सिस्टम रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो वो है 45 GB स्पेस एंड i5 प्रोसेसर एंड 8 GB रैम। पूरा स्पेसिफिकेशन आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। बात करें प्री ऑर्डर्स की तो वो 22 अक्टूबर तक एक्सपेक्टेड है कि स्टार्ट हो जाए, और इसकी जो एक्सपेक्टेड रिलीज डेट निकल कर आ रही है वो है 11th of November, इसके आसपास भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर आपको GTA ट्रायलॉजी सीरीज देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको नहीं पता इसके अंदर क्या होता है, तो जो पुराने गेम्स निकले थे GTA के जैसे कि सैन एंड्रियास, वाइस सिटी, तो इनको रीमॉडिफाई करा जाएगा ग्राफिक्स में, टेक्सचर्स में, और भी कूल बनाया जाएगा। तो ये गेम्स आ रहे हैं और इनकी रिलीज डेट ये है। सो दैट्स फॉर ऑल दी गेमिंग न्यूज एपिसोड। होप करता हूं आपको एपिसोड अच्छा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। 2K सब्सक्राइबर्स करने चैनल को ऊपर जल्दी जल्दी, तो प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलता हूँ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।